भिलाई निगम सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों द्वारा सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के तहत स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण देने के पश्चात स्कूलों में बच्चे की संख्या के आधार पर गैल्बेंडाजोल टैबलेट के किट प्रदान किए गए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण एवं सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया मुक्ति अभियान को लेकर नगर निगम भिलाई के सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों द्वारा स्कूली शिक्षकों की बैठक ली गई। बैठक में सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और दवाओं का वितरण भी किया गया। फाइलेरिया उन्मूलन के तहत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी कार्यालयों एवं गली मोहल्लों के घरों में दवाएं 2 साल के ऊपर के सभी लोगों को पिलाई जानी है। बैठक में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में बच्चों को दवाई पिलाने 10 अगस्त से अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाई खिलाई जाएगी। प्रशिक्षण में अधिकारियों ने बताया कि 2 साल के ऊपर वालों को फाइलेरिया की दवाई खिलाई जानी है ताकि हाथी पांव की बीमारी के संक्रमण को जड़ से खत्म किया जा सके। सामूहिक दवा वितरण का कार्यक्रम 10 से 16 अगस्त तक किया जा रहा है। बैठक की जानकारी जिला प्रबंधक शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तुषार वर्मा ने दी। नमस्कार, मेरा नाम तुषार कुमार वर्मा है, जिला प्रबंधक शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम से। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी टीचर्स का प्रशिक्षण किया जा रहा है MDA फाइलेरिया प्रोग्राम, जिसमें सामूहिक दवा वितरण स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में, सरकारी दफ्तरों में एवं गली मोहल्लों में जितने भी घर हैं 2 साल के ऊपर सभी लोगों को इसका सेवन किया जाना है। इसे DEC की दवाई के नाम से जाना जाता है और इसके साथ ही NDD यानी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में 10 तारीख को मनाया जा रहा है, जिसमें एल्बेंडाजोल खिलाया जाएगा। तो 2 तरह की दवाइयाँ हैं, जो एल्बेंडाजोल है वो 1 से 19 वर्ष के लोगों को खिलाना है, जिसकी संख्या अलग अलग है, डोसेज अलग अलग है, और जो 2 साल के ऊपर 100 साल या जितने भी साल के हैं उनको फाइलेरिया की दवाई खिलाना है। मुख्य उद्देश्य फाइलेरिया का जो है कि जो हाथी पाँव नाम की बीमारी होती है उससे उसका संक्रमण को जड़ से ख़त्म करने के लिए सामूहिक दवा वितरण कार्यक्रम 10 से 16 तारीख तक किया जा रहा है। साथ ही कृमि मुक्ति जो बच्चों में प्रायः पाया जाता है, पेट में गंदगी की वजह से कृमि हो जाता है, उससे उस कृमि उन्मूलन के लिए हर 6 महीने में एक बार राष्ट्रीय स्तर पर कृमि उन्मूलन कार्यक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो 10 से 16 तक हम लोग एक वृहद अभियान पूरे ज़िले में और हम लोग विभिन्न जो हमारी सहयोगी संस्थाएँ हैं उनके माध्यम से कर रहे हैं। इसमें महिला बाल विकास, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, ITI कॉलेजेस, सारे जगह पे यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से मनाया जाएगा। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि आप भी खाएं, अपने परिवार में खिलाएं और इंश्योर करें कि बच्चों को भी यह मिल सके। आम जनता के लिए आंगनवाड़ी और मितानिन इन लोग और ANM जो होते हैं, जो AAA होते हैं, जो हमारे ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, उनका प्रशिक्षण भी द्वितीय पाली में रखा गया है। तो एक बहुत ही वृहद प्रयास किया गया है कि सारे लोग को प्रशिक्षण दे के पहले चरण में हम लोग तैयार कर लें, साथ ही हम लोग वितरण भी कर रहे हैं दवाई का, ताकि वो स्कूल स्तर तक या आंगनवाड़ी स्तर तक पहुँच जाए और वहाँ से वितरण गली गली मोहल्लों का हम रोस्टर तैयार कर रहे हैं, ताकि एक भी ऐसा हिस्सा ना छूटे। और इसके लिए नेशनल टीम भी आके इसकी मॉनिटरिंग करेगी। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग सब स्वयं दवा खाएं और ये भी पूछें पड़ोस में कि आपने भी खाया है कि नहीं, तभी यह मैसेज जनता तक पहुंच पाएगा। गौरतलब है कि कृमि उन्मूलन के लिए हर 6 महीने में बृहद रूप से अभियान चलाया जाता है, जिसमें महिला एवं बाल विकास, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग आदि का सहयोग प्राप्त होता है। वहीं आम जनता के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिन, ANM को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि दवाएं सभी के घरों तक पहुंच सके और इसका वितरण सही समय पर हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।